गोरा बाजार क्षेत्र में गणेश विसर्जन के दौरान बैंड दलों द्वारा मुस्लिम गानों की धुन बजाई गई, जिसके विरोध में अखिल भारत हिंदू टाइगर फोर्स द्वारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया। टाइगर फोर्स के अधिकारियों ने बताया कि गोरा बाजार क्षेत्र में गणेश विसर्जन के द्वारा मुस्लिम गानों की धुन बैंड दल द्वारा बनाई गई, जो कि हिंदुओं की भावनाओं को आघात पहुँचाने का काम किया है। पदाधिकारियों ने उचित कार्रवाई की मांग की। बोलो बोलो। जय श्री राम। आज हिंदू टाइगर फोर्स ने गोरा बाजार गणेश उत्सव की समिति के खिलाफ एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें कि गणेश उत्सव समिति में गणेश विसर्जन के दिन एक मुस्लिम धुन बजाई गई थी, जिसका विरोध हिंदू टाइगर फोर्स और हिंदू समाज करता है। इससे समस्त हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई है और हम ये चाहते हैं कि इस समिति के जो अध्यक्ष हैं इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उसकी गिरफ्तारी हो। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो इस प्रकार के बैंडों को करते हैं उसका पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाए, जो कि विशाल बैंड है। इसका मैं समस्त हिंदूवासियों से कहना चाहता हूँ कि इसका है ना बहिष्कार बहिष्कार बहिष्कार। कौन है ये समिति और ये कौन बैंड वाले ने ये धुन बजवाई थी? ये गोरा बाजार बाल गणेश उत्सव समिति है और जो ये धुन बजाई गई है वो विशाल बैंड के द्वारा बजाई गई। क्या बजाया गया? भरतो झोली। जब हमारे गणेश जी हैं तो हम किसी और की क्यों बजाएं? और ये एक वैसे भी ये मातमी सॉन्ग है, मातमी धुन है। ये इनके मुहर्रम में जो कि मातमी एक त्यौहार मनाया जाता है और ये हमारा हर्षोल्लास का त्यौहार है, तो इससे हमारी भावनाएं आहत हुई हैं। और अगर इस प्रकार की घटना भविष्य में इस प्रकार की ये जो समितियां हैं अगर करती रहेंगी। ये किस तो क्षेत्र की समिति है? गोरा बाजार क्षेत्र की है। और इस प्रकार का अगर कुछ भी कार्य होता है तो हिंदू समाज और हिंदू टाइगर फोर्स उग्रता के साथ इसका जवाब देगा। अच्छा, अपना नाम बताएं। हिंदू टाइगर फोर्स प्रदेश सह मंत्री।